हेलो बच्चों, नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम विषय हिंदी व्याकरण में वाक्य और इसके भेद के बारे में जानेंगे। बच्चों, वाक्य एक तो होता है रचना के आधार पर भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, तो हम इन दोनों भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भाषा के अध्याय में हमने पढ़ा था कि भाषा, लिपि और व्याकरण, ये हमने पढ़ा था। तो बच्चों, भाषा अध्याय में किसे कहते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। लेकिन विचारों का आदान प्रदान करना किससे होता है? वाक्य से ही होता है, कि वाक्य बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि अपनी बात को प्रकट करने के लिए हमें वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार वाक्य भाषा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वाक्य में किसी भाव या विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने की शक्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, वह वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक पिता अपने बेटे से कहता है, राम क्या कर रहे हो? तो बेटा कहता है, कहानी। अब ये कोई वाक्य नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। तो दूसरे चित्र में देखते हैं, राम क्या कर रहे हो? तो बच्चा कहता है, बालक कहता है, पिताजी मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, ये पूर्ण रूप से वाक्य है कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो वाक्य इस तरह के होते हैं। तो वाक्य अपने आप में एक पूरी तरह से स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। अब देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। तो हम पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य की जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे स्नेहा स्कूल जा रही है, मोहन किताब लेने जा रहा है। तो इस वाक्य में स्नेहा और मोहन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये दोनों शब्द उद्देश्य है। इस प्रकार हमें यह भी पता चल जाता है कि वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए कि कभी उद्देश्य एक शब्द का होता है तो कभी एक से अधिक शब्द का होता है। वे सभी शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े होते हैं वे भी उद्देश्य ही होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय को अलग करते हुए देखिए, उद्देश्य मनोज, विधेय क्या है? कुछ काम नहीं करता। कामचोर मनोज, ये भी विधेय है क्योंकि कुछ काम नहीं करता। पंकज का भाई मनोज, देखिए कुछ काम नहीं करता। अब देखिए, विधेय के बारे में हम जानेंगे। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे रमेश खेलता है, रानी किताब पढ़ती है। इस वाक्य में खेलता है, किताब पढ़ती है, वाक्य के विधेय हैं। तो इन वाक्यों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय होते हैं। कर्म अथवा क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय में आते हैं। वाक्य में विधेय और कर्म का होना बहुत जरूरी है। वाक्य का कर्म तथा क्रिया विधेय का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने पढ़ा और जाना, यानी इनका होना बहुत जरूरी है। अब आगे हम देखेंगे, खेलेगी। आगे ये दो बालिका है,
ये एक दूसरे से क्या बात करती हैं? एक पूछती है खेलेगी, दूसरी कहती है क्या। तो पहली कहती है फुटबॉल, दूसरी कहती है कहाँ। पहली कहती है बाहर, दूसरी कहती है कब। पहली कहती है 4 बजे। ओके, तो बच्चों ये इन्होंने आपस में ये जो बात की, तो ये एक शब्द वाले वाक्य इन्होंने किए, एक शब्द वाले बात इन्होंने कही। अब आगे हमने उद्देश्य और विधेय को हमने जाना और समझा। अब हम वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य क्या होते हैं। वाक्य हमने जाना कि वाक्य क्या होते हैं, अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों या भावों को पूर्ण रूप से प्रकट करे, वह वाक्य कहलाता है। तो बच्चों ये वाक्य की परिभाषा है, आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखिए वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम एक एक करके हम दोनों के बारे में हम जानेंगे, दोनों की रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, एक दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम साधारण या सरल वाक्य के बारे में जानेंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य यानी कर्ता हो व एक ही विधेय यानी क्रिया हो, उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अथवा इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे राम खाना खाता है, तो देखिए इसमें एक ही राम है और क्रिया क्या है, खाना खाता है। तो इसमें देखिए एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं बच्चों? जिस वाक्य में समानता के आधार पर 2 उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, किसी वाक्य में 2 सरल वाक्यों या 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला शब्दांश ही संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे किंतु, परंतु, और, अथवा, या, तथा, इसलिए, इत्यादि। अवयवों के योग से ही वाक्य जुड़े होते हैं। यानी कि जिस उदाहरण हम देखते हैं, श्याम की आँख खुली और वह इधर उधर देखने लगा। तो बच्चों इसमें देखिए जो और शब्द है वो वाक्य को जोड़ता है, यानी श्याम की आँख खुली और वह इधर उधर देखने लगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सरल वाक्य दिए हुए हैं। इसको कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं हम, जैसे और, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, या, तथा, इत्यादि। अवयवों के योग से ही वाक्य जुड़े हुए होते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा। तो उदाहरण वाक्य शाम की आँख खुली और वह इधर उधर देखने लगा। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे जो शाम की आँखें खुली एक सरल वाक्य है और वह इधर उधर देखने लगा, तो ये भी एक सरल वाक्य है। अब इन दोनों सरल वाक्यों को और जो है वो संयुक्त वाक्य बना रहा है, तो ये
पूरा एक वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया। श्याम की आंखें खुली और वह इधर उधर देखने लगा। अब देखिए हम तीसरे नंबर पे आते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं, अथवा हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और बाकी सभी वाक्य गौण हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे ही राम की आंखें खुली वैसे ही वह इधर उधर देखने लगा, तो ये क्या हुआ? मिश्र वाक्य। देखिए बच्चों, हमने अभी साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य हमने अभी पढ़ा और इनके बारे में हमने अभी जाना। तो बच्चों अब हम आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं कौन कौन से होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो चलिए बच्चों हम इनको भी एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम विधानार्थक विधि या विधानार्थक वाचक वाक्य के बारे में हम पढ़ते हैं। जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें विधानार्थक विधि, विधानार्थक वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह वृद्धा असहाय है, रीमा पुस्तक पढ़ रही है, मैं गांव जा रहा हूँ, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब आगे हम देखते हैं निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य। तो बच्चों इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि पहले निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यानी किसी बात को या किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता है तो वो निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे वह वृद्ध असहाय नहीं है, रीमा पुस्तक नहीं पढ़ रही है, मैं गांव नहीं जा रहा हूँ। तो बच्चों इन तीनों वाक्य में नहीं का बोध हो रहा है, यानी कि वह वृद्धा असहाय नहीं है, रीमा पुस्तक नहीं पढ़ रही है, मैं गांव नहीं जा रहा हूँ। तो इन उदाहरणों में नहीं शब्द का उपयोग हो रहा है तो ये निषेधार्थक वाक्य कहलाते हैं। अब आगे हम आते हैं प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्नार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम इसे भी उदाहरण के जैसे समझते हैं कि आप, जैसे आपकी पहली कहानी कौन सी है, तुम्हारा क्रिकेट का मैच कब होगा, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं। तो बच्चों इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सी कब किन्हें, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। आगे देखिए आज्ञार्थक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। इसकी हम परिभाषा देखेंगे पहले। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, अथवा हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिन वाक्यों में आज्ञा
प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसको भी हम उदाहरण के लिए समझेंगे। जाओ बाजार से फल लाओ, जल्दी जा, कल तक जरूर आ जाना, अब मुझे कह लेने दो माँ। तो देखिए, इसमें आज्ञा दी जा रही है, उपदेश दिए जा रहे हैं, तो इस तरह के वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य की हम परिभाषा देखेंगे कि जिस वाक्य से किसी प्रकार के संकेत का बोध होता है, या वे वाक्य जहाँ किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप यदि कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यह जो चित्र बना है यह उसी ने बनाया है, तो इसमें एक आज्ञा दी जा रही है, तो इस तरह के वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। तो विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं? तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि जिस वाक्य से किसी प्रकार की विस्मय, हर्ष, दुख, आश्रय, घृणा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना अच्छा मौसम है, ओह कंबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, छी कितनी गंदी जगह है, तो इसमें भी ये एक विस्मयादि बोधक वाक्य है। अब देखिए आगे देखते हैं इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। तो जिस वाक्य से किसी तरह की इच्छा, आशा या शुभकामना आदि प्रकट होते हैं, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तुम विजय प्राप्त हो, तुम कक्षा में प्रथम आओ, तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो एक इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य से किसी बात का संदेह पता चलता है, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल बरसात हो, इसमें संदेह हो रहा है कि शायद कल बरसात हो, यानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, संदेह हो रहा है, हो सकता है तुम इस बार प्रथम आ जाओ, तो हो सकता है, तो संदेह है, तो इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। बच्चों आगे हमने ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में हमने जाना, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।